हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? देखिए मैं क्या बना रही हूँ। ये मसाला पीस दी हूँ आलू और कटहल की सब्जी बनाने के लिए। ये सब कढ़ी पत्ता है, पचफोरन, प्याज है, सूखी मिर्च है, तेज पत्ता है। मैं कटहल और आलू की सब्जी बनाऊंगी। ये है बरी, कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ी बनाऊंगी ना। ये सोना मूंग दाल का बरी, दाल पीस के रखी हूँ बड़ी बनाने के लिए। आज बनाऊंगी कढ़ी, चावल और सब्जी। ये बेसन है, ये बेसन है, वो मसाला है। ये आलू रखी हूँ बॉईल करके, ये छील के कटहल रखी हूँ। आज मैं बना रही हूँ आप लोग के लिए स्पेशल ब्लॉग। देखिए अच्छी लगे तो हमारी ब्लॉग, तो हमारी वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए हम तेल दे दिए हैं और इसमें प्याज है, मिर्ची है, तेज़पत्ता है, पंचफोरन है। मैं कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए ये कटहल रखा हुआ है, ये आलू काट रही हूँ। अभी मैं कढ़ी पत्ता दूंगी लास्ट में, उसमें पंचफोरन में दे रही हूँ। बहुत तेज़ पटपट करता है इसलिए थोड़ा कैमरा इधर उधर करना पड़ता है। अकेले एक हाथ से बना रही हूँ, एक हाथ से ये सब डाल रही हूँ। कैमरा ली, मोबाइल ली हूँ। और देखिए मैं बना रही हूँ, मैं अब कटहल में दूँगी, फौरन थोड़ा हो जाएगा तो फिर मैं कटहल देके उसको भूंजूँगी कटहल को। फिर आलू बॉयल है, बॉयल को ज़्यादा भूंजना, आलू को भूंजना ज़्यादा नहीं है। फ्रेंड्स आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक, आधी ब्लॉग देख के नहीं जाना है आप लोग को। देखिए ये मैं इसको पूरा ब्राउन कर दूंगी, ब्राउन हो जाएगा मेरा प्याज पंचफोरन, तो फिर मैं कटहल दूंगी। अभी मैं उसको भूंज रही हूँ हल्का हल्का, पंचफोरन को पका रही हूँ, उसके बाद मैं दे दूंगी। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, ब्लॉग मेरा कोई देखता नहीं। ये हल्दी दे रही हूँ, गुंडी हल्दी, पक जाती है हल्दी तो सब्ज़ी टेस्टी होती है, कच्चापन नहीं रहता है, इसलिए मैं फौरन में ही दे देती हूँ। अब मैं और थोड़ी सी दे रही हूँ हल्दी, लग रहा कम था इसलिए। अब मैं कटहल दूंगी फ्रेंड, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। देखिए देखिए मैं कटहल दे दी, मैं चला रही हूँ। देखिए मेरा कटहल अब कलरफुल दिखे, क्या करूँ, कैमरा कभी कभी इधर उधर हो जाता है, दिमाग पे नहीं रहता कि कैमरा ऑन है, इधर उधर चलाना शुरू कर देती हूँ। फ्रेंड फ्रेंड मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये कटहल मिला था ना बड़ा सा कटहल, उसमें से कटवा के लाई थी मार्केट से, 40 रुपये किलो दे रही थी ये कटहल, तो ले ली 1.25 किलो और रख दी हूँ और बनाई हूँ। देखिए अब ये आलू दूंगी फ्रेंड, आलू को मैं फ्रेश करके रख ली हूँ। अब इसमें मैं आलू दूंगी फ्रेंड, ये आलू दूंगी, फ्राई करूंगी ये, क्योंकि आलू बॉयल है ना तो पहले नहीं दे सकती, बाद में दूंगी। आलू जब कच्चा रहता है तो साथ में देके बनाते हैं, लेकिन आलू बॉयल है इसलिए मैं ये इसको फ्राई कर लूँगी तब जाके दूँगी। कटहल की सब्जी मुझे पसंद है फ्रेंड। आप लोग को किस किस को कटहल की सब्जी पसंद है कमेंट में बताइएगा, हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा, और कुछ नए रेसिपी चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में बनाने की कोशिश करूँगी। देखिए ये धीरे जैसे जैसे हम फ्राई करते हैं ना फ्रेंड कटहल को, वैसे वैसे ये मेरा कटहल फूटते जाएगा, मतलब घुलते जाएगा, जैसे वो सीज जाएगा। इसको ज़्यादा मैं बॉयल नहीं, ज़्यादा क्या मैं बॉयल की ही नहीं हूँ, और ये ऐसे भूनते भूनते इसको बना दूँगी मैं। ये बन जाएगा मेरा, इसमें मैं लहसुन आदि, प्याज, मिर्ची पीस के रखी हूँ और मसाला मिक्सर से पीस के रखी हूँ, जीरा, धनिया, गोलकी पाउडर, काली मिर्च जिसको बोलते हैं, फिर मैं दूँगी। आप लोग देखते रहिए, हमारे ब्लॉग में बने रहिए। मेरा चावल हो गया है फ्रेंड, ये बासमती चावल है इसलिए थोड़ा सा निकाल के दिखा रही हूँ आपको। ये बासमती सुपर राइस है,
देखिए मेरा कटहल, अभी मैं कटहल बना रही हूँ। थोड़ा ब्लॉग लंबा हो जाएगा फ्रेंड, बोर मत होइएगा, देखते रहिएगा। अच्छी रेसिपी है, आप लोग सीख सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए कुछ देर में मैं आलू दे दूँगी, आलू दूँगी। ये गुल की पाउडर है, काली मिर्च हल्का से दे रही हूँ। उसके बाद अब जीरा धनिया पीस के रखी हूँ मिक्सर में, सूखा हुआ है उसको अलग से अब ये दे रही हूँ, गुल की जीरा और धनिया। फिर मैं मसाला दूँगी फ्रेंड। देखिए दीदी, अब सब्जी मेरी नीचे से हल्की लग रही है, इसलिए मैं पानी वाला मसाला दूंगी। देखिए दीदी हूँ, क्या बोलते हैं ये कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी दे रही हूँ। थोड़ा स्वाद बढ़ता है, इससे फ़ायदे भी है और शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी है। देखिए हमारा कटहल खुल रहा है ना फ्रेंड, देखिए इसीलिए पहले फ्राई करना चाहिए। ये खुल रहा है ना, देख रहे हैं, थोड़ा सा हो गया कढ़ाई में। और देखिए हमारा कटहल का सब्जी इतना यम्मी बनेगा ना फ्रेंड, जैसे अपना शादी ब्याह में बनता है ना कटहल की सब्जी, वैसा सेम टू सेम होगा। तो पानी मैं डाल रही हूँ, मेरा सब्जी भुजा गया था, तो मैं पानी डाल देती हूँ। अब इसको डाल के छोड़ देती हूँ, अपना होगा, फिर आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं दिखाती रहूँगी। अभी हमको कढ़ी भी बनाना है, पकौड़े भी बनाना है। कढ़ी में डालने के लिए पकौड़े मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे ब्लॉग में बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड। आप लोग से रिक्वेस्ट है, बितुल भाई हमारे झारखंड की रेसिपी है, आप भी देखिए इस रेसिपी को। आप लोग भी कटहल की सब्जी एक बार ऐसे इस तरीके से बना के खाइएगा। अब प्रियंका भाभी आप भी ऐसे बनाइएगा, देखिएगा कैसे लगेगा। आप तो अच्छा से बनाती हैं कोई भी खाना, मैं देखती हूँ आपका, जेरी का, प्रियंका भाभी, जेरी का भी, सबको देखती हूँ आप लोग की वीडियो, आप लोग देखती रहें। आप देखिए मैं बारी की तैयारी कर रही हूँ, तो सब्जी लग रहा हो ही गया है, इसलिए अब मैं बारी बनाऊंगी। देखिए बारी बना दूंगी, मेरा बारी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड मैं बारी डालूंगी, तेल गरम होगा ना उसके बाद मैं दूंगी। तब तक इसको भी दाल को भी मिला लेती हूँ, दाल का पेस्ट जो बनाई हूँ इसको। देखिए लग तेल गर्म हो गया, मैं डाल रही हूँ एक एक करके। देखिए ये रहा मेरा परी, इस कढ़ी में डालेंगे हम, कढ़ी में डाल दूंगी। अभी तो बन रहा है, पकौड़े छान लूंगी। इसको हम लोग ना बरा भी बोलते हैं, बरी भी, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, क्योंकि बरी की तरह होता है। इसको गरम, इसको छान के फिर गरम पानी में हल्का सा भिगोना होता है, तो उसमें फूल जाता है, फिर हम कढ़ी में पानी निचोड़ निचोड़ के डाल देते हैं, तो कढ़ी का स्वाद इसमें चला जाता है फूल जाने के बाद, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। कढ़ी चावल सब्जी मेरा तो फेवरेट है, कड़ी चावल सब्जी। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। देखिए कैसे मैं पलट दी, ऐसे ही बनता है फ्रेंड। आप लोग प्रियंका भाभी, जयरी भाभी, आप लोग एक बार बना के देखिएगा। रूपम भाई, मैं आप लोग का ब्लॉग पूरा देखती हूँ, जंगल का चीज़ रहता है ना, बहुत अच्छा अच्छा
इसलिए मुझे बहुत पसंद है बिट्टू भाई। आप जंगल में आप लोग जाते हैं, आप प्रियंका भाभी, तो मैं देखती रहती हूँ। मुझे नेगेटिव कमेंट तो आता नहीं करने की, नेगेटिव फालतू का करूँ इतना टाइम नहीं है, जो अच्छा है वही देखती हूँ मैं। ये देखिए दही इसमें थोड़ा सा दे दी हूँ, पेशन है, इसमें थोड़ी दही दी, खट्टी थोड़ी कड़ी होती है तो अच्छी लगती है। ये देखिए मैं लाल मिर्ची दी हूँ, इधर कड़ी पत्ता, लहसुन, इधर हींग है, हींग दिखा रही हूँ, रुक के देखिए, ये कैच का हींग है, इसको मैं दे रही हूँ, बहुत अच्छा है, मॉल से ख़रीद के लाए थे, घूमने गए थे तो। ये देखिए मैं हींग दूँगी, ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता से भी स्वाद बढ़ता है फ्रेंड, कड़ी पत्ता से भी सब्जी में दें चाहे जे जो कुछ भी है उसमें देंगे आप तो बहुत टेस्टी लगेगा, खाने में बहुत अच्छा लगता है। क्या करूं भाई, अकेली हूँ, बेटी पढ़ने चल जाती है तो फिर कोई बनाने वाला नहीं, तो खुद बनाती हूँ, खुद करती हूँ, और काम भी घर का सारा मेरे को ही देखना पड़ता है। मैं कर रही हूँ, बना रही हूँ, ब्लॉग नहीं बना रही थी, व्यू नहीं जा रहा था ब्लॉग, इसलिए गुस्सा रहा था मुझे कि पता नहीं कैसे बनता है नहीं बनता। मैं तो बना रही हूँ एक साल से वीडियो, 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं बने, पता नहीं क्यों क्या हुआ है हमारी, बना रही इतना मेहनत करती हूँ फ्रेंड्स। ये बेसन डालूँगी मैं, घोल बना, ये दही और बेसन का घोल मैं डाल रही हूँ, आप देखते रहिए। और ये मेरा खाना तैयार हो गया है, कढ़ी चावल, सब्जी कटहल की। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, थैंक यू।